नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सबसे गंभीर आयोग माना जाता है, सबसे सटीक आयोग माना जाता है, और ऐसे आयोग के अगर पेपर लीक हो जाएं तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों का जो मोरल होता है बहुत ज़्यादा डाउन होता है। और यही हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर का, पेपर के लीक का मामला लगातार 2-3 दिन से, जब से आपका पेपर हुआ है उसी दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब कि 11, 12 और आज 13 है, लगातार हर बच्चा के मुंह पे ये है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और इसमें आयोग ने क्या माना है इसको हम लोग देख लेते हैं। सब कुछ हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे कि आखिर क्या है। अभी कल एक नोटिस आई थी, उसमें आयोग ने ये बोला था, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है, और साथ ही साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने ये तो साफ साफ कह दिया है कि हाँ भाई, हम इसकी जांच करवाएंगे और अब जो भी होगा सामने आएगा उसका निर्णय लेंगे। लेकिन हकीकत में होने क्या वाला है, सबसे पहले हमें इसको भी जानना है। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, इस चीज़ को समझिए। सिमिलरली केस आपका 2016 में हुआ था और तब भी आयोग जो था वो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, UP SSC हो गया, ये शासन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि चुनावी माहौल चल रहा है, कोई भी सरकार अपनी बोल सकते हो कि बेइज्जती कराने में बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसकी बेइज्जती हो। पेपर लीक होना, चीट होना, पेपर आउट होना, किसी न किसी तरीके से जो निशाना है सीधा आयोग पे, सीधा सरकार पे होता है। तो अभी हाल फिलहाल में तो केवल इन्होंने बोल दिया है कि समिति, एक जो कमेटी है वो बिठाई गई है और वो जाँच करेगी, बट अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन आप लोग बच्चों अपने पे डटे रहिएगा, निश्चित रूप से अगर पेपर लीक हुआ है, अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत हुई है, तो आपका हक है, आप अपने हक के लिए अपने पेपर कैंसिल के लिए मांग कर सकते हो और पेपर रद्द होना भी चाहिए। 2016 में भी यही हुआ था, पहले मानने को तैयार नहीं थे, एक बंदा केवल डटा हुआ था और उसके चलते लास्ट में आखिर इन्होंने क्या किया, पेपर कैंसिल किया और उसका री एग्जाम करवाया, जो 2016 का समीक्षा अधिकारी का री एग्जाम था। सिमिलरली 2023 का भी यहाँ पे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने की मांग आप लोग अवश्य करिएगा, और टीम परीक्षा प्लस आपके साथ हर दशा में, हर दिशा में आपके साथ खड़ी हुई है और आपको जो भी हो सकता है वो मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल केवल यहाँ पे क्या बोला गया है कि कमेटी बिठाई गई है। होना क्या है आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे देखिए 99.99% चांस है कि आपका ये पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शायद सबको पता है कि एक हाई लेवल की, बड़े लेवल की इसमें गड़बड़ी हुई है। ठीक है, अब आप उससे साक्ष्य मांगो, प्रूफ मांगो, आपके पास क्या प्रूफ है, तो मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा। मैं इतना बोलूंगा कि मैं छात्र हित में हमेशा खड़ा रहता हूं, और अगर मुझे थोड़ी बहुत भी भनक है और अगर ऐसा लगता है भाई, अगर आप प्रूफ ये दिखा दो कि हाँ बिल्कुल स्वच्छतापूर्वक हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भनक लगी है, क्योंकि एक बात समझिएगा कि GS पेपर 1 एक अच्छे स्तर का, कठिन स्तर का था, और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो पेपर था वो थोड़ा सा ठीक लेवल का था। अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ जाना चाहिए एक्सपेक्टेड इस पेपर में, कभी भी अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्या अगर इतिहास उठा लो, तो इस हिसाब से 200 में से 115-120 सेफ स्कोर होना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो निश्चित रूप से इस एग्जाम का कट ऑफ हाई जाएगा, और कट ऑफ हाई जाने का एक सीधा मतलब यही रहेगा कि हाँ भाई, इसमें क्या हुआ था, धांधली हुआ था। तो उससे अच्छा है कि भाई हम वहाँ तक इंतजार ना करें, सबसे पहले सारे सबूत हम लोग इकट्ठा कर लें और कहीं ना कहीं री एग्जाम की हम लोग मांग कर लें। होना क्या है, री एग्जाम होगा निश्चित, तो मैं 100% नहीं बोल सकता, बट 99.99% बोल सकता हूँ। और इसमें लेकिन कम से कम 2 साल आपके, ये कंफर्म है कि 2 साल आयोग और ये कमेटी मिलके सब लोग बर्बाद कर देंगे। मतलब कि ये 2023 तो गया, अब 2025 में इसका निर्णय होना है। आपके लिए मैं इतना बोलूंगा कि ऐसे हुआ की स्थिति में आप अपने दिमाग को बैलेंस करके अगला जो आपका समीक्षा अधिकारी है उसकी भी तैयारी, और इसका भी री एग्जाम हो जाएगा तो इसकी भी तैयारी, दोनों पेपर आपका दोबारा एक साथ ही पढ़ने वाला है 2025 में, इस बात को समझिएगा। तो तब की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दोगे, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही दिशा में, एक सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अभी के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आपके क्या राय हैं कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा, कि आपके पास कोई साक्ष्य है, आपके पास कोई भी ऐसा है तो कमेंट में बताइएगा, जिसके भी आप पे हम लोग भी आपकी मदद कर सके। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ में मेरी बात अपने दोस्तों तक पहुँचा भी दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।